हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में हजारों लैंग्वेजें बोली जाती हैं और 20 से अधिक लैंग्वेज में फिल्में भी बनती हैं। पर इनकी सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब एक लैंग्वेज की फिल्म दूसरी लैंग्वेज में डब नहीं होती। तो इसलिए आज मैं 2019 की 5 ऐसी फिल्मों को लेकर आया हूँ जिनको देखने के बाद आपको ह्यूमन और सोसाइटी के देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी जो पहली फिल्म है वो है सुपर डिलक्स। नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर त्यागराजन कुमार राजा की विजय सेतुपति स्टारर सुपर डिलक्स। सुपर डिलक्स इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप मूवी। ऐसा मैंने पहले कभी कुछ नहीं देखा था तमिल सिनेमा में, ना इनफैक्ट इंडियन सिनेमा में। इस फिल्म में चार अलग अलग स्टोरी को एक धागे में बांधा गया है। इसमें एक 8 साल का बच्चा है जो जन्म से ही अपने फादर को देखा नहीं है, और एक दिन उसका फादर उसके सामने अचानक आता है जो ट्रांसजेंडर हो चुका है। एक कपल है जिनका अरेंज मैरिज हुआ था, लेकिन उनको एक अब लाश छुपानी है जो उनके घर में है, और उनके बीच कोई खास बॉन्डिंग नहीं है। चार दोस्त हैं और उनमें से एक को पता चलता है कि उनकी माँ एक अडल्ट फिल्म की एक्ट्रेस है, तो उसे गुस्से में आकर अपने माँ का मर्डर करने के लिए निकलता है। और एक प्रीस्ट है जिसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन वो उसको वहाँ से डिस्चार्ज करा के अपने भगवान के मूर्ति के सामने ला के रखता है क्योंकि उसको भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। और इनफैक्ट एक एलियन भी है इस फिल्म में। इस फिल्म का सिर्फ एक ही मकसद है कि दुनिया की रियलिटी को सामने लाना, चाहे वो इंसान हो, एलियन हो या खुद भगवान। जरूरी नहीं कि हम सबको जानते हों या सबको समझते हों, पर अगर वो हैं, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में उनसे बंधी है। जैसे हर कोई एक सेल से बना है, फिर अलग हो गए हों, पर कितना भी दूर क्यों ना हो, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा ही होता है। ये मूवी इन सबसे भी काफ़ी अलग है। ये इंसानी दिमाग के डार्कर साइड को बहुत बहुत अच्छे से दिखाती है। इंसानियत और मीनिंगलेस लाइफ पर कमेंट करती है। इस फिल्म में ब्रिलियंट राइटिंग, सुपर डायरेक्शन और मतलब एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। विजय सेतुपति, समांता प्रभु, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन वो छोटे से बच्चे जो 8 साल का रोल किया है, उस रासकुट्टी का मतलब एक्टिंग बहुत बहुत लाजवाब है। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट फिल्म है वो है भास्कर हजारिका की आमिस। ये एक SMS लैंग्वेज की फिल्म है। आप इस फिल्म को देखते टाइम कुछ खाएंगे नहीं, और देखने के बाद तो आप वैसे भी कुछ खाने लग बचेंगे नहीं। ये एक लव स्टोरी टाइप मूवी है जिसमें एक स्टूडेंट फॉल इन लव विद अ डॉक्टर, और जो उससे एज में बड़ी है वो, और इनकी बॉन्डिंग बनती है नॉन वेजिटेरियन फूड्स पर। इससे ज़्यादा मैं आपको फिल्म के बारे में कुछ बता नहीं सकता। मैं बस आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ कि इसकी एंडिंग तक आते आते आप भौचक्के रह जाएंगे। ये फिल्म किसी जॉनर में नहीं बनती कि आप केवल एक लव स्टोरी सोच के जा रहे हो। नहीं, ये लव स्टोरी है, ये आपको देखने के बाद पता चलेगा। एक सस्पेंस है, ये आपको ही डिसाइड करना है। ये फिल्म जॉनरलेस है, ये इसमें कई जॉनरों की मिक्सिंग है। एंड आई पर्सनली रिकमेंड यू, क्योंकि ऐसी फिल्में बहुत कम बनी है इंडियन सिनेमा में, और ये बहुत क्वालिटी टाइप फिल्म है, तो ज़रूर देखें। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट फिल्म है वो है अपने नाम बोल। ये मूवी 2019 में इंडिया की मोस्ट रेटेड फिल्म है। 9.1 रेटिंग है इसकी। फिल्म को डायरेक्ट किया है राम ने, और इसके स्टार है ममोटी, जो इंडिया में एक्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। फिल्म एक फादर डॉटर डीओ पर बेस्ड है जिनमें उनके बीच की बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं है। अचानक एक दिन उसकी माँ बेटी को फादर के पास छोड़ के चली जाती है, और बेटी को मेंटल डिसऑर्डर है। उसके सोसाइटी वाले बेटी को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रहती है, और फादर के साथ उसकी बॉन्डिंग नहीं है। तो फादर उसको कैसे शहर ले जाता है, वहाँ पर ऐसे बच्चों के हालात कैसे हैं, लड़की में हार्मोनल चेंज हो रहे हैं क्योंकि लड़की थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, और इंडिया में ऐसे बातें बेटियां बाप से करती ही नहीं है। तो इन सब टॉपिक्स पे बनी हुई बहुत ही शानदार फिल्म है। ऐसे बच्चों के लिए हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स कैसे हैं, स्कूलिंग कैसी है, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट कैसे करती है, एज ए इंसान उन्हें देखना भी चाहिए। इन सब बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर बनी हुई एक बहुत बहुत लाजवाब फिल्म है प्रेनाम्बू। इसको हम पर्सनली, मैं इसको एक लव स्टोरी मानता हूँ, और ये लव स्टोरी है फादर और डॉटर की। एक पिता अपने बेटी के लिए क्या क्या कर सकता है वो इस फिल्म में दिखाया है। और मतलब ये हमारे सोसाइटी पे क्वेश्चन करने वाली ही फिल्म है कि क्या वो आखिर वो भी तो इंसान है, उनकी भी तो ज़रूरतें हैं, और हम उसके लिए कितने तैयार हैं। ये एक मस्ट वॉच फिल्म है। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट फिल्म है वो है बाबा। ये एक फादर सन डुओ मराठी मूवी है जिनमें इनका एक अलग ही रिलेशन दिखाया है जो बहुत खूबसूरत, बहुत इमोशनल और बहुत बेहतरीन है। ये बहुत सिंपल सी स्टोरी पर बहुत अमेजिंग है। स्टोरी ये है कि एक मूक पेरेंट है जो बोल नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, आनंदी और माधव। उनका एक बच्चा है शंकर। शंकर अभी बोलना नहीं सीख पाया है क्योंकि उनके पेरेंट्स भी बोल नहीं पाते हैं। पर ट्विस्ट ये है कि शंकर माधव और आनंदी के खुद का बच्चा नहीं है, वो एक अमीर घर के बेटी का बच्चा है जिसके माँ ने उसे अपनाया नहीं था।
एक दिन उसकी असली माँ लौट आती है और वो चाहती कि उनका बच्चा उनको वापस दे दिया जाए। वो उसके लिए कोर्ट जाते हैं। कोर्ट भी बच्चे के फ्यूचर के लिए अमीर माँ के पास ही भेजना चाहता है। तो क्या माधव और अंधी उस बच्चों को छिन जाएंगे? इतनी सी स्टोरी है जो देखना है। ये मूवी बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल है। इसमें माधव का रोल किया है दीपक डोबरियाल ने और ये उनके लाइफ के वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म है। मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ उनकी एक्टिंग लेवल देखकर आपको लगेगा क्या एक्टिंग किया इन बंदे ने। आप सोचिए इन तीनों के कैरेक्टर को जो बिना डायलॉग के केवल आंखों और इशारों में ही करना है वो उन्होंने बखूबी एक्टिंग किया भी है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है। अगर आपको एक फील गुड और सूदिंग फिल्म देखनी है तो आप बाबा जरूर देखें। दोस्तों हमारी जो आखिरी फिल्म है वो है डायरेक्टर वेट्री रमन की मास्टर क्लास असुरन। इसमें धनुष मेन लीड में है। धनुष ने एक फार्मर का रोल प्ले किया है जो अपने छोटे से परिवार के साथ एक गांव में रहता है। उनके परिवार में उनके दो बेटे, बेटी और पत्नी है। वो गांव के एक छोटे से जमीन पे काम कर रहा होता है जहाँ पे उसकी जमीन पे गांव के बड़े लोगों की नजर होती है। वो उसे हड़पना चाहते हैं। पर मैं आपको बताऊं असुरन अपने आप एक बहुत मास्टर क्लास फिल्म है, मास्टरपीस जिसको बोल सकते हैं ना, वो परफेक्ट मास्टरपीस। फिल्म में धनुष के दो अलग अलग लुक्स में दिखने वाले हैं। एक पिता का रोल जो वहाँ पर उनका एटीट्यूड एकदम अलग है, सिंपल तरीके से दिखना है, ऐसा कि उसको कोई दिक्कत ही नहीं किसी से, इतना कि उनके बेटे को मार देने के बाद भी वो किसी का विरोध नहीं करते, बस अपने बचे हुए परिवार को बचाने में परेशान रहते हैं। और एक दूसरा धनुष जो फ्लैशबैक में आता है वो हर बात का विरोध करता है, जो गलत है उसको गलत का विरोध करता है, वो अपने हक के लिए लड़ता है। यहाँ पर एक जनरेशन गैप की भी सोच दिखाई गई कि एक फादर की जिम्मेदारियाँ क्या होती है और एक यंग धनुष जिस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो बस अपने लिए जीता है। इस फिल्म में आपको एकदम रियलिस्टिक एक्शन मिलेगा, मतलब ऐसा एक्शन जो एक किसान किया होगा, जो ऐसे सिचुएशन में होगा जिसमें इतना गुस्सा होगा वो एक्शन वो करता होगा, वही वो एक रियलिस्टिक एक्शन है। कुछ भी फालतू थोपा नहीं गया, कोई सुपर हीरो टाइप धनुष नहीं है, वो पिटता भी है और पीटता भी है, ऐसा धनुष है, एकदम रियल एक्शन, कुछ भी फालतू नहीं। ये फिल्म एक सोशल इशू पे बनी गई है जहाँ पर बड़ा आदमी छोटे आदमी को सप्रेस करता है। मैं आपको एक सीन बताता हूँ जहाँ धनुष अपने होने वाले वाइफ को चप्पल खरीद के देता है, वो उसे पहनकर स्कूल जाती है। वहाँ पर गांव के लोग ऐसा लगता है कि वो उनके खिलाफ विरोध है, वो उस लड़की को मारते हैं, उसके सर पर चप्पल रखकर पूरे गांव घुमाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके सामने चप्पल पहनी थी। इस फिल्म की यूएसपी है इसके डायरेक्टर वेट्री रमन। सैल्यूट टू दिस गाय मैन। मैं आपको बताऊं अगर कोई दूसरा इंसान इस कहानी को बताए ना, वो इतनी पावरफुल और नहीं होती जितनी वेट्री रमन ने बताई है। इतनी सिंपल स्टोरी को जितनी रियलिस्टिक और इंगेजिंग वे में दिखाया है उसके लिए डायरेक्टर की तारीफ होनी भी चाहिए। इस फिल्म में सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल है, राइटिंग, एक्शन, एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी सब कुछ अलग है, पर इस फिल्म की जान है तो वो है धनुष, एक ऐसे फादर के रोल जो अपने बेटे को खोने के बाद भी रिटेलिएट नहीं करता। हमें लगता है कि ये कुछ कर क्यों नहीं रहा, ये विरोध क्यों नहीं कर रहा, ये बदला क्यों नहीं ले रहा, क्यों नहीं। इनफैक्ट एक सीन में उसको सजा सुनाई जाती है कि गांव के सारे इंसानों को लेट कर पैर के बल अगर वो माफी मांगेगा तभी उसके बेटे को जेल से बाहर निकालेंगे, और वो चू भी नहीं करता, वो बिना किसी विरोध के सबके पैरों पे गिर के माफी भी मांगता है, कुछ नहीं कहता। मतलब ऐसा धनुष बहुत लाजवाब एक्टिंग किया है। वो धनुष के फिर एक धनुष आता है जिसके हाथों में चॉपर है और वो लोगों को उसे चॉप कर रहा है, सबको मार रहा है, उसे भी चोट लगती है, वो गिरता भी है लेकिन मारता सबको है। तो ऐसा क्या होता है उसके पास्ट में कि वो अपने बेटे को मारने के बाद भी बदला नहीं लेता। मैं इस फिल्म में धनुष की एक्टिंग देखकर स्पीचलेस हूँ, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इनफैक्ट धनुष की आंखें तक एक्टिंग करती हैं इस फिल्म में। मैं आपको बताऊँ बहुत 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 वर्ल्ड क्लास एक्टिंग किया धनुष ने। फिर आते हैं जीवी प्रकाश कुमार। ये पेशे से एज अ एक्टर हैं, राइटर हैं और म्यूजिशियन हैं। इस फिल्म में वो म्यूजिशियन का रोल किया है। ये रहमान के भांजे हैं। इन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर, थेरी और अब असुरन जैसी फिल्मों में म्यूजिशियन म्यूजिक दिया है। और क्या दिया है भाई साहब, ऐसा जो रोंगटे खड़े कर दे। जब एक्शन सिक्वेंस के साथ वो बैकग्राउंड आता है ना, वो म्यूजिक जो आपको दिमाग कभी भूल नहीं सकता, मतलब म्यूजिक ऐसा ही उस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी में से एक है, रोंगटे खड़े करने वाली म्यूजिक है। आप मतलब स्टन रह जाते हैं, इतना 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 एक्शन सीक्वेंस में वो म्यूजिक परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। इसके पहले ये थेरी, विक्रम वेदा जैसी फिल्मों में ही वो ऐसे म्यूजिक मैंने सुना था। एकदम सिचुएशन पे परफेक्ट बैठने वाली वो म्यूजिक दिया। जी भी प्रकाश कुमार इतने छोटे सफरों में इतनी बड़ी कामें किया ना, उसके लिए भी उन्हें सल्यूट है। फिल्म में प्रकाश राज भी हैं, मंजू वॉरियर जैसे एक्टर हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है।
फिल्म सारे डिपार्टमेंट में बहुत सही है, मुझे इसमें से कोई कमी नहीं दिखती। मतलब एकदम परफेक्ट टाइप की जो फिल्म होती है ना वो है असुरन। इसमें लास्ट में धनुष ने एक डायलॉग बोला है जो अपने बेटे से बोलता है और जो इस फिल्म का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर तुम्हारे पास खेत है तो लैंडलॉर्ड्स तुमसे हड़प लेंगे, पैसा है तो कोई चोरी कर लेगा, आपका सब कुछ कोई ना कोई ले सकता है, बस एक चीज़ है जो कोई नहीं ले सकता, वो है एजुकेशन। अगर आप एजुकेटेड हैं वो आपका सबसे पावरफुल वेपन है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप अपने एजुकेशन के बल पर इतने ऊपर जा सकते हैं कि जहाँ आपका कोई छू भी नहीं सकता। दोस्तों, ये थी उन 5 नॉन हिंदी फिल्मों की लिस्ट जो पिछले साल रिलीज हुई। हालांकि पिछले साल बहुत सी मूवी रिलीज हुई और मैंने देखी भी बहुत सारी, लेकिन ये 5 मेरी फेवरेट हैं। मैं कोई प्रोफेशनल रिव्यूअर नहीं हूँ, इसलिए मुझे जितना समझ में आया वैसा स्क्रिप्ट लिखा और रिकॉर्ड किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट लिखें। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।